प्रदेश के कई जिलों में बढ़ रही चोरियों के मामलों में हमीरपुर पहुंचे डीआईजी मधुसूदन ने कहा कि चोरियों पर अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई की जाएगी और पुलिस पेट्रोलिंग को बढ़ाया जाएगा। साथ ही डीआईजी ने लोगों से आह्वान किया कि अनजान व्यक्ति को दिखने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें। हिमाचल प्रदेश पुलिस डीआईजी मधुसूदन ने आज हमीरपुर जिला के पुलिस थानों के अलावा पुलिस लाइन का निरीक्षण किया। इस अवसर पर पुलिस थाना हमीरपुर में पहुंचकर मधुसूदन ने आकर रिकॉर्ड जांचा और सारी व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। पुलिस थाना हमीरपुर में पहुंचे डीआईजी मधुसूदन का स्वागत किया गया। मधुसूदन ने निरीक्षण करने के बाद कहा कि हमीरपुर में कानून व्यवस्था सुदृढ़ है और पुलिस विभाग में भी कार्य बढ़िया से चला हुआ है। उन्होंने बताया कि पुलिस थाना पुलिस लाइन के अलावा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी जाकर निरीक्षण किया गया है। इस मौके पर एसपी गोकुल चंद्रेन के अलावा अन्य पुलिस कर्मी भी मौजूद रहे। हमारे पुलिस विभाग में जो रेंज कार्यालय खंड कार्यालय है वो साल में वार्षिक औपचारिक निरीक्षण करते हैं, तो आज मैं उस सिलसिले में यहाँ औपचारिक निरीक्षण के लिए आया। सर, क्या फीडबैक रही है इस निरीक्षण के दौरान? अभी तो निरीक्षण चला हुआ है। फीडबैक वैसे तो हमें जो रेंज में जितने जिले हैं उनकी रोज फीडबैक हम लेते रहते हैं, और जैसा आपको मालूम है कि हमीरपुर में कानून व्यवस्था सुदृढ़ है, बिल्कुल ठीक है और शांति है। यहाँ के जो नागरिक हैं वो भी बहुत शांति प्रिय हैं, अनुशासन प्रिय हैं और अपना काम बिल्कुल ठीक तरीके से करते हैं। जहाँ तक पुलिस विभाग का संबंध है तो पुलिस विभाग में भी कार्य बिल्कुल संतोषजनक है। आज हमीरपुर में पुलिस लाइन थाना और उसके बाद फिर पुलिस अधीक्षक कार्यालय जो है वहाँ पे करूँगा। डीआईजी मधुसूदन ने कहा कि जिला में बढ़ रही चोरियों को लेकर पुलिस पूरी तरह से सतर्क है और चोरियों पर अंकुश लगाने के लिए पेट्रोलिंग बढ़ाई जा रही है। उन्होंने लोगों से भी आह्वान किया है कि अगर किसी को कोई अनजान व्यक्ति अपने क्षेत्र में नजर आता है तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। इसको लेकर उचित दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और पेट्रोलिंग बढ़ाई जा रही है। मेरा आम जनता से भी आग्रह है कि वो भी ध्यान रखें और उनको कोई अजनबी व्यक्ति अपने एरिया में नजर आता है, चाहे दिन के समय या रात के समय, उसी समय पुलिस को सूचित करें। वहीं प्रदेश में कई पुलिस थानों में एसएचओ की तैनाती नहीं होने पर डीआईजी मधुसूदन ने कहा कि कुछ प्रमोशन अभी रुकी हैं और जल्द ही पुलिस थानों में खाली पदों को भरा जाएगा। थाना प्रभारी नियुक्ति की प्रोसेस चलती रहती है। यहाँ पे जहाँ तक संबंध है, एक इंस्पेक्टर की पोस्ट है, उसकी जगह पे एक सब इंस्पेक्टर लगाया गया है। ये आमतौर पर ऐसा कई बार होता रहता है और एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में अभी कुछ प्रमोशंस होंगी। प्रमोशंस जैसे ही हो जाएंगी तो हमारी एक पुलिस एस्टेब्लिशमेंट कमेटी है, वो पोस्टिंग्स कर देती है, जैसे पोस्टिंग होगी वो हो जाएगा। ये कोई बहुत अनयूजुअल बात नहीं है।